boy. तो इस बार विच के शक में किसको पकड़ा जाएगा? क्या विचेस उस बॉक्स को जॉन और कॉटन से छुड़ा पाएगी? क्या जॉर्ज मेरी की सच्चाई सबको बता पाएगा? और मर्सी विच बनकर किस हद तक जाएगी? यही हमें आज की कहानी में पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है कॉटन के फादर इनक्रीज से, जो कि एक शिप से कुछ लोगों को देख रहे होते हैं। उन सभी लोगों को कोई बीमारी लगी हुई थी और पूरा शिप बहुत ही गंदा था, जहाँ पर चूहे भी भरे पड़े हुए थे। इनक्रीज के मुताबिक ये सब विचेस कर रही थी और विचेस को मारने के बाद ही ये बीमारी खत्म हो सकती थी। यहाँ पर मेरी रोज का कटा हुआ सर मिस्टर हाले को दिखाती है और रोज के मरने के बाद में मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विच बन चुकी थी और सिर्फ मेरी ही ग्रैंड रिचुअल को पूरा कर सकती थी। लेकिन अब उनको बॉक्स जॉन से लेना होगा, नहीं तो वो रिचुअल पूरा नहीं होगा। रोज के मना करने पर मिस्टर हाले को मेरी का गुलाम बनना पड़ता है, क्योंकि मेरी अगर रोज को मार सकती है तो मिस्टर हाले तो उसके सामने कुछ भी नहीं थे। और साथ ही में मिस्टर हाले को एना और अपनी वाइफ के लिए भी डर लग रहा था। और पता नहीं मिस हाले को मिस्टर हाले के विच होने के बारे में पता था या नहीं, लेकिन एना को वो कहती है कि मिस्टर हाले सालेम के एक सीक्रेट एजेंट है, जो कि बाहर के देशों के साथ बिजनेस को लेकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इधर रात को मिस्टर हाले प्रोस्टिट्यूट हाउस जाते हैं और वहाँ पर वो उस विच मॉब से मेरी के बारे में बात करते हैं। मेरी पर मिस्टर हाले जरा भी भरोसा नहीं करते थे। और साथ ही मिस्टर हाले को सालेम आ रहे एक शिप के बारे में भी पता चलता है। मेरी को पता करना था कि जॉन ने वो बॉक्स कहाँ पर रखा है, तो इसीलिए मेरी जादू से जॉन के सपने में जाना चाहती थी और टिटोबा ये जादू नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत दिनों तक इंसान रियल लाइफ और सपनों की लाइफ में कन्फ्यूज रहता है। लेकिन मेरी की जिद पर टिटोबा को वो जादू करने के लिए मानना पड़ता है। टिटोबा फिर मेरी पर एक जादू करती है, जिससे कि मेरी जॉन के सपनों में पहुंच जाती है। लेकिन जॉन को पास पाकर मेरी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और सपने में ही जॉन के साथ में इंटीमेट होने लगती है। सपने में मेरी जॉन को खरोचती है और रियल लाइफ में भी जॉन की नींद खुल जाती है और खरोच के निशान असली में भी जॉन की बॉडी पर आ जाते हैं। लेकिन मेरी उस बॉक्स के बारे में जॉन से कुछ भी पता नहीं कर पाती है, पर वो टिटोबा को यकीन दिलाती है कि वो जल्दी ही इसके बारे में पता कर लेगी। उस तरफ कैप्टन इनक्रीज को शिप में विचेस कहाँ पर है ये पूछ रहा था और इनक्रीज को ऐसा लग रहा था कि शिप में मौजूद लोगों में ही कोई विच है। कैप्टन के बार बार पूछने पर इनक्रीज कैप्टन के हाथ पर ही चाकू मार देता है और कैप्टन शिप को कहीं और ले जा रहा था। लेकिन कैप्टन को मार के इनक्रीज शिप को सालेम की तरफ मोड़ लेता है। अगले दिन मर्सी और उसके कुछ दोस्त डोली की शादी के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन डोली जिस लड़के जो से शादी करने वाली थी उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो इसीलिए मर्सी डोली के ड्रिंक में कुछ स्पेल की चीजें मिला देती है और इस वजह से डोली को किसी डेमन का फेस नजर आता है। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी और मर्सी अपने पावर को देखकर अब खुश रहने लगी थी। उसी रात डोली और जो की शादी से पहले का एक रिचुअल हो रहा था, जहाँ पर दोनों एक बेड पर लेटे थे। जो डोली के पास में आ रहा था कि तभी डोली को जो के अंदर किसी डेमन का फेस नजर आता है, जिसे देखकर डोली डर के मारे चिल्लाकर वहां से भाग जाती है और इस वजह से जो की माँ डोली से बहुत ही ज्यादा नाराज होती है। दूसरी तरफ मेरी जॉन के सपनों में फिर से आ जाती है और इस बार जॉन को मेरी अपने बातों में फंसाकर उस बॉक्स के बारे में पता कर ही लेती है। उसे पता चलता है कि जॉन ने उस बॉक्स को गाइल से कवर में छुपा रखा है। लेकिन टिटोबा मेरी को बार बार जॉन के सपनों में जाने से मना करती है, नहीं तो मेरी कभी भी सपनों की दुनिया से बाहर ही नहीं निकल पाएगी। अगले दिन जॉन को नींद से उठकर काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाता है। वो बाहर देखता है कि जो की माँ मिस बार्कर और डोली की माँ ट्रास्कर के बीच में झगड़ा हो रहा था, क्योंकि कल डोली शादी के रिचुअल पूरा किए बिना वहां से भाग गई थी। मिस ट्रास्क डोली पर भी गुस्सा हो रही थी, क्योंकि जो के घर वाले बहुत अमीर थे और डोली ने शादी तोड़कर बहुत ही ज्यादा बुरा किया था। मिस ट्रास्क डोली को थप्पड़ मारती है, जिस वजह से मर्सी को अब बहुत ही गुस्सा आ जाता है। जॉन घर के बाहर आता है, लेकिन सपनों की वजह से वो अजीब चीजें हेलुसिनेट कर रहा था, जिस वजह से वो एना को किस करता है। फिर जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो उसे सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। जॉन वहां से प्रोस्टिट्यूट के पास में जाता है और वो वहाँ पर उनके साथ में इंटीमेट होता है। जॉन को ये जरा भी होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है
और मेरी के सपनों की स्पेल जॉन पर बहुत ही बुरा असर डाल रही थी। दूसरी तरफ मेरी मर्सी को एक काम देती है कि वो कुछ ऐसा करे कि मिस ट्रास्क सबको ये कहे कि मिस बार्कर एक विच है और उसने उन पर अटैक किया है। और डोली को थप्पड़ मारता देख वैसे भी मर्सी मिस ट्रास्क पर गुस्सा थी। मेरी फिर मर्सी पर एक स्पेल करके उसकी आत्मा को मिस ट्रास्क के घर पर भेज देती है और मिस ट्रास्क मर्सी को देख भी नहीं पाती है। मर्सी बड़ी बेरहमी से मिस ट्रास्क को मार डालती है। अब इस तरफ मेरी फिर से जॉन के सपनों में जाकर उसके साथ में रोमांटिक पल बिताने वाली थी, लेकिन उसको वहाँ पर एना भी दिखाई देती है, जिस वजह से मेरी सपने में ही एक जंगल में खो जाती है जहाँ पर जॉन अपनी सेना के 20 लोगों को मार रहा था। सपनों के बाहर मेरी पैनिक कर रही थी और टिटुबा मेरी को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी सपनों के बाहर आ ही नहीं रही थी। सपनों में मेरी को जॉन मारने ही वाला था कि तभी टिटुबा मेरी को किसी तरह सपनों से बाहर ले आती है और इस बार मेरी की जान बच जाती है। जॉन भी उधर सपनों की दुनिया और असल दुनिया में कन्फ्यूज हो रहा था। जॉन मेरी के घर पर जाता है और वहाँ पर दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। इस तरफ मर्सी और टिटुबा को गाइल्स की कब्र से वो बॉक्स मिल जाता है और उसी टाइम गांव में मिस ट्रास्क की लाश को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। सभी को लग रहा था कि मिस बार्कर ने मिस ट्रास्क को शादी टूटने की वजह से मार डाला है और जिस बहरेमी से मिस ट्रास्क को मारा गया था उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि विचेस ने ही उन्हें मारा है और इसीलिए सभी बार्कर फैमिली को विच मान रहे थे। पूरे गांव के लोग बार्कर फैमिली को जेल में डालने के लिए ले जा रहे थे और कॉटन सभी को रोक रहा था क्योंकि किसी के पास भी उनके विच होने का कोई भी सबूत नहीं था। मिस्टर हाले भी उनको सजा देने के लिए जल्दी में थे क्योंकि इसी तरह उन्हें और इनोसेंट लोगों की बलि मिलेगी। फिर किसी तरह कॉटन सभी को रोकता है और ये ऑर्डर देता है कि सुबह उनको एग्जामिन करने के बाद अगर वो विच निकले तो उनको सजा दे दी जाएगी और सभी को अपनी लाइफ के लिए एक मौका मिलना चाहिए। कॉटन की बात के खिलाफ कोई जा भी नहीं सकता था तो इसीलिए सुबह तक के लिए बार्कर फैमिली को जेल में डाल दिया जाता है। इस तरफ मैरी खुद को कंट्रोल करके जॉन को खुद से दूर करती है और उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। मैरी को पता था कि विच बनने के बाद से ना ही उसको कहीं कोई फैमिली मिल सकती है और ना ही वो किसी की माँ बन सकती है। उसका अपनी पूरी लाइफ में बस एक ही मकसद है, सालेम के लोगों से बदला लेना और दुनिया की सबसे स्ट्रांग विच बनना। अब उसी रात कॉटन को पता चलता है कि बिना एग्जामिन किए बार्कर फैमिली को जिंदा जला दिया गया था क्योंकि सालेम में कॉटन के फादर इंक्रीज आ चुके थे और किसी पर भी विच का शक होने पर इंक्रीज तुरंत सजा देते हैं। वो लोगों को कभी भी एग्जामिन वगैरह करके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इंक्रीज के मुताबिक बार्कर फैमिली जरूरत से ज़्यादा ही अमीर थी, मतलब कि वे लोग विच हो गए थे, और इंक्रीज के मुताबिक तो कॉटन विच को पकड़ने के लायक भी नहीं था। जॉन ने इस बार आने में बहुत ही ज़्यादा देर कर दी थी और इसके चलते विच होने के शक में तीन और इनोसेंट लोगों की जानें चली गई थी, लेकिन इसका फ़ायदा विचेस को ज़रूर हुआ था। इंक्रीज जॉर्ज का बहुत ही अच्छा दोस्त था तो इसीलिए वो जॉर्ज से मिलने जाता है और मेरी को पता था कि इंक्रीज जॉर्ज को देखकर ही समझ जाएगा कि उस पर किसी विच ने स्पेल किया था, तो इसीलिए मेरी इंक्रीज को बातों में घुमाकर उसी दिन उसे जॉर्ज से मिलने के लिए नहीं देती है। यहाँ पर हमें इंक्रीज की बातों से पता चलता है कि बाहर के देशों में कोई वायरस फैल रहा है और वहाँ के लोग मर रहे हैं। इंक्रीज अब तभी सालेम से बाहर जाने वाला था जब तक कि यहाँ की सभी विचेस खत्म नहीं हो जाती, और इसी के साथ में एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। यहाँ से शुरुआत होती है एपिसोड 8 की, जहाँ पर इंक्रीज ने विचेस के कामों को खुद कंट्रोल में ले लिया था। इंक्रीज के आने से सभी विचेस परेशान थी और इंक्रीज दुनिया का सबसे बड़ा विच हंटर था। इंक्रीज फिर प्रोस्टिट्यूट हाउस जाता है जहाँ पर कॉटन ग्लोरिया के साथ में था और इंक्रीज को आता देखकर ग्लोरिया ने पहले कॉटन को छुपा दिया था और तब इंक्रीज भी वहाँ पर आ जाता है। वहीं पर कॉटन की बाइबल पड़ी हुई थी और ग्लोरिया कहती है कि ये बाइबल उसकी है और वहाँ पर बात को संभाल लेती है। इंक्रीज अब उस प्रोस्टिट्यूट हाउस की मालकिन मॉब के रूम में जाता है और वो मॉब भी एक विच थी। मॉब के रूम से उसको विचेस की चीज़ें भी मिलती है तो इंक्रीज मॉब को अरेस्ट कर लेता है। मॉब के अरेस्ट होने पर मिस्टर हाले और बाकी विचेस बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और मॉब ने अगर उनका नाम बता दिया तो वे सभी इंक्रीज के हाथों मारे जाएंगे। लेकिन मेरी इस बात से ज़्यादा परेशान थी कि अगर इंक्रीज ने जॉर्ज को देख लिया तो जान जाएगा कि मेरी ही विच है। जॉर्ज बीमार नहीं बल्कि उसके ऊपर स्पेल किया गया था और किसी भी तरह इंक्रीज को जॉर्ज से मिलने से रोकना था। जॉर्ज को इंक्रीज से दूर रखने के लिए मेरी आइजैक के साथ जॉर्ज को उसके इलाज के लिए बोस्टन में भेज देती है
और उसी रात मिस्टर हाले जेल में मॉब से मिलने के लिए जाते हैं। मॉब उनसे कहती है कि वो जहर खा लेगी, लेकिन किसी भी वो विच का नाम नहीं बताएगी। मिस्टर हाले जानते थे कि इनक्रीज मॉब को इतना टॉर्चर करेगा कि उसको नाम बताना ही पड़ेगा। और तब मिस्टर हाले किसी को भी विच बताने के लिए मॉब से कह देते हैं। और मिस्टर हाले ने मॉब को किसका नाम बताया था ये हमें आगे पता चलेगा। अब अगले दिन बाकी विचेस का नाम निकलवाने के लिए मॉब को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था और मॉब को बार बार पानी में डुबाया जा रहा था। इतना ही नहीं, सालेम के सभी लोग मॉब को इस टॉर्चर में देख रहे थे। फिर बहुत टाइम तक मॉब किसी का भी नाम नहीं ले रही थी, लेकिन फाइनली वो विच होने का इल्ज़ाम ग्लोरिया पर लगा देती है। कॉटन ग्लोरिया से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और वो जानता था कि उसके फादर ग्लोरिया को विच के शक में मार डालेंगे। कॉटन इनक्रीज को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ग्लोरिया और ये सब उन विचेस के चाल है, डेविल के लिए इनोसेंट लोगों को उनके हाथ मरवाने की। इनक्रीज फिर भी कॉटन की बातों को नहीं सुनता है और ग्लोरिया को जेल में बंद कर देता है। इन सब के चक्कर में मॉब की सजा वहीं पर रुक जाती है और यही मिस्टर हाले की चाल थी। पिछली रात मिस्टर हाल ने मॉब को ग्लोरिया का नाम लेने को कहा था। उनको ये पता था कि अगर ग्लोरिया का नाम लिया जाए तो दोनों बाप बेटे के बीच में झगड़ा हो जाएगा और मॉब की सजा रुक जाएगी। दूसरी तरफ जॉर्ज को पता था कि अगर वो इनक्रीज से नहीं मिल पाया तो मेरी की सच्चाई कभी भी उसको नहीं बता पाएगा और वो खुद भी नहीं बच पाएगा। तो इसलिए जॉर्ज मेरी के उस पालतू फ्रॉक को अपने मुंह से निकालने की कोशिश करता है। जॉर्ज को देखने के चक्कर में आइजक का ध्यान गाड़ी से हट जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद आइजक बेहोश हो जाता है और जॉर्ज अपने पेट को काट कर उस फ्रॉक को निकाल लेता है। कॉटन अभी भी अपने पिता इनक्रीज को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ग्लोरिया विच नहीं है। इनक्रीज को ऐसा लग रहा था कि कॉटन ग्लोरिया के प्यार में है, तो इसीलिए वो ग्लोरिया को बचा रहा था। इनक्रीज को तो अभी भी ये लग रहा था कि एक विच ने ग्लोरिया का नाम लिया है तो ग्लोरिया भी विच ही होगी। फिर इस तरफ जॉन फिर से मेरी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन मेरी अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करती है और वो जॉन को उससे दूर रहने को कह देती है। इधर ग्लोरिया की बॉडी को इनक्रीज एग्जामिन कर रहा था। कॉटन ग्लोरिया की बॉडी का हर पार्ट दिखा रहा था और वो इनक्रीज को बता रहा था कि ग्लोरिया की बॉडी में विच की कोई भी मार्क नहीं है, यहाँ तक कि उसके पालतू जानवर को दूध पिलाने के लिए वहाँ पर कोई होल भी नहीं है। लेकिन फिर भी इनक्रीज ग्लोरिया को ही विच मान रहा था और इस तरीके से एग्जामिन होना ग्लोरिया के लिए बहुत ही शर्म की बात थी। कॉटन को समझ नहीं आ रहा था कि ग्लोरिया को वो कैसे बचाए और कॉटन जॉन से मदद मांगता है। दूसरी तरफ आइजक को भी जब होश आता है तो वो जॉर्ज को जख्मी हालत में देखता है जो कि आइजक से मदद मांग रहा था। उस मेंढक को निकाल देने के बाद में मेरी का स्पेल जॉर्ज के ऊपर से हट गया था, जिस वजह से जॉर्ज अब फिर से बोल पा रहा था। जॉर्ज आइजक को सालेम वापस जाकर इनक्रीज को बुलाने को कहता है और इस बारे में मेरी से कुछ भी कहने को मना करता है। आइजक जॉर्ज की मदद करे भी तो कैसे, क्योंकि इसी जॉर्ज की वजह से सालेम के लोग उसको कैरेक्टरलेस समझते थे और इसी जॉर्ज की वजह से ही एबीगल जो कि आइजक का प्यार थी वो कहीं गायब हो गई थी। आइजक के पास में यहाँ पर मौका था कि वो जॉर्ज को मारने के लिए छोड़ दे। जॉर्ज आइजक से माफ़ी मांगता है, उसने जो भी आइजक के साथ में किया था उसे उसका बहुत ही ज़्यादा अफसोस था। आइजक को जॉर्ज के लिए बुरा लगता है और इसीलिए आइजक जॉर्ज की मदद लाने और इनक्रीज को बुलाने के लिए सालेम की तरफ भागता है, लेकिन आइजक को वापस जाता हुआ पेट्रस देख लेता है। इस तरफ जॉन इनक्रीज को समझाता है कि उनको अपने बेटे के डिसीजन पर भरोसा होना चाहिए और कॉटन भी एक अच्छा विच हंटर है। जॉन की इस बात पर इनक्रीज भी गौर करता है और कुछ देर बाद आइजक जॉन को जॉर्ज के बारे में बताता है। जॉन आइजक से नाराज़ होता है कि उसने जॉर्ज की मदद अभी तक क्यों नहीं की। फिर इस तरफ इनक्रीज सभी सालेम के लोगों के सामने ग्लोरिया विच नहीं है ये कहता है, लेकिन ग्लोरिया एक प्रोस्टिट्यूट थी जो कि उनके लिए एक पाप था और इस सज़ा के लिए ग्लोरिया को सालेम से निकाल दिया जाता है। ग्लोरिया और कॉटन एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों से इस तरह अलग होना उनके लिए बहुत ही बुरी बात थी। उनको तो ये भी नहीं पता था कि वो फिर से कब एक दूसरे से मिल पाएंगे। अगली सुबह मेरी को अपना पालतू मेंढक दिखता है, जिसको देखकर मेरी समझ जाती है कि जॉर्ज अब बोल पा रहा होगा। वो किसी से भी बात करके उसके विच होने के बारे में सबको बता सकता था। मेरी टिटुबा को जल्दी जॉर्ज को ढूंढ कर उस मेंढक को उसके अंदर फिर से डालने को कहती है। वो दूसरी तरफ इनक्रीज देखता है कि आइजक सालेम में नहीं है। इतनी जल्दी बोस्टन से सालेम वापस आना पॉसिबल नहीं था,
तो आइजक से जबरदस्ती पूछने पर वो जॉर्ज के एक्सीडेंट के बारे में इनक्रीज को बता देता है। इसे सुनकर इनक्रीज फौरन जॉर्ज की मदद करने के लिए निकल जाता है। वो टिटुबा भी जॉर्ज के पास में दूसरे रास्ते से जा रही थी। यहाँ पर जेल में मॉब पॉइजन खाकर अपनी जान दे देती है ताकि किसी भी विच का नाम इनक्रीज उसे नहीं निकलवा पाए। और यहाँ पर जंगल में हम देखते हैं कि पेट्रिस मदद के बहाने जॉर्ज के पास में आता है। पहले तो जॉर्ज पेट्रिस को अपने पास में नहीं आने देता है, लेकिन कुछ ही देर में जॉर्ज पेट्रिस पर यकीन करके उसकी मेडिसिन को पी लेता है, जिसके बाद में जॉर्ज बेहोश हो जाता है। और तभी इनक्रीज को आता देखकर पेट्रिस वहाँ से भाग जाता है। इनक्रीज को देखकर टिटुबा इनक्रीज से बहाने बनाने लगती है कि वो जॉर्ज को घर पर सेफ्टी से ले जाने के लिए आई है। जॉर्ज को देखकर ही इनक्रीज समझ जाता है कि जॉर्ज पर किसी विच का स्पेल हुआ है, और स्पेल को ख़त्म करने के लिए जॉर्ज ने अपने पेट को काटा है। फिर कुछ देर के बाद टिटुबा मेरी को बताती है कि उनके लिए एक बैड न्यूज़ है, जॉर्ज को इनक्रीज बचाकर ले आया है। और जॉर्ज के ठीक होने तक इनक्रीज अब उसके साथ में ही रहेगा। और यहाँ पर अब सभी विचेस मेरी के लिए मुसीबत का कारण बन सकती थी। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इन दोनों एपिसोड में हमने देखा कि जॉन के सपने में बार बार जाकर मेरी ने उस बॉक्स को हासिल कर ही लिया, लेकिन जॉन के लिए अपने प्यार को मेरी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो बार बार जॉन के सपनों में जा रही थी। और इस वजह से एक बार तो मेरी की जान जाते जाते बची थी। साले में अब इनक्रीज वापस आ चुका था, जो कि कॉटन का पिता था, जो कि कॉटन की तरह तो बिल्कुल नहीं था। किसी पर भी विच होने का इल्ज़ाम लगते ही इनक्रीज तुरंत ही उस विच को सजा दे देता था। मॉब विच तो थी, लेकिन उसने बाकी विचेस को बचाने के लिए ग्लोरिया का झूठा नाम लिया और खुद जहर खा लिया। यहाँ पर एग्जामिन के बाद में ग्लोरिया विच नहीं निकली, लेकिन प्रोस्टिट्यूट के पाप में ग्लोरिया को सालेम गांव से निकाल दिया गया और ग्लोरिया और कॉटन एक दूसरे से अलग हो गए। जॉर्ज ने मेरी के पालतू मेंढक को अपने पेट से काट कर निकाल लिया और इनक्रीज भी अब जॉर्ज के साथ में हर टाइम रहने वाला था। तो अब देखना ये होगा कि जॉर्ज इनक्रीज को मेरी की सच्चाई बता पाता है या नहीं। तो इसे जानने के लिए सालेम के आने वाले एपिसोड को देखते रहिएगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। और क्या इनक्रीज विच के शक में किसी और को सजा देगा? ग्लोरिया के जाने के बाद कॉटन की हालत क्या होगी? और विचेस अब किस इनोसेंट को विच के शक में फंसाएगी? ये हम जानेंगे आज के इन एपिसोड्स में। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो एपिसोड 9 की शुरुआत होती है इनक्रीज से, जो एमिली के फादर हेनरी को ड्रिंक करा देता है। और विचेस का इल्ज़ाम लगने के बाद हेनरी को इंटरोगेट नहीं किया गया था, लेकिन इनक्रीज उसे छोड़ देता है। फिर इनक्रीज मॉब के पास में जाकर देखता है कि मॉब मर चुकी है, और सालिम के लोगों को बुलाकर इनक्रीज मॉब को फांसी पर लटका देता है। फिर वो सभी विचेस को वार्निंग देता है कि वे सभी सालिम को छोड़कर चले जाए, नहीं तो उनकी हालत भी मॉब की जैसी होगी। कुछ समय के बाद मेरी इनक्रीज के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि जॉर्ज बहुत ही ज़्यादा बीमार है और उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, तो इसीलिए वो जॉर्ज को घर पर ले जाना चाहती है। लेकिन इनक्रीज के मुताबिक जॉर्ज बीमार नहीं है, उस पर विच का स्पेल है। लेकिन वो जॉर्ज को घर नहीं भेजना चाहता था, तो इसीलिए वो आइजक को जॉर्ज का ख्याल रखने की परमिशन दे देता है। और मेरी भी इस बात के लिए मान जाती है। यहाँ पर मर्सी के फादर बैरन मर्सी से बात करने के लिए आते हैं, लेकिन मेरी बैरन को मर्सी से बात नहीं करने देती है। उल्टा उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने एग्जोसिस्म करके मर्सी को टॉर्चर किया है। मेरी को अब बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि अगर जॉर्ज होश में आ जाएगा तो उसका राज खुल जाएगा। मेरी आइजक को एक मेडिसिन देती है और कहती है कि ये मेडिसिन जॉर्ज की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइजक भी मेरी की बात को मानकर उस मेडिसिन को जॉर्ज को पिलाने लग जाता है, लेकिन असल में उस मेडिसिन को पीने के बाद में जॉर्ज बस एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगा। यहाँ पर इनक्रीज आइजक पर बहुत भरोसा कर रहा था कि वो जॉर्ज का अच्छी तरीके से ख्याल रखेगा। जॉर्ज को विचेस से प्रोटेक्ट करने के लिए इनक्रीज ने बहुत सारे प्रोटेक्शन साइन रूम में लगा कर रखे हुए थे। एना फिर जॉन को ऑर्फनेज के बच्चों के बारे में बता देती है, जो विचेस की बात से और लोगों को सजा देने के तरीके से डरे हुए थे। फिर उसी दिन मर्सी मेरी से मिलने जाती है, और उस टाइम मेरी घर पर नहीं थी।
टिटुबा मर्सी को अपना पेट दिखाती है जो कि एक स्पाइडर था। और टिटुबा से हमें ये पता चलता है कि हर विच को डेविल की तरफ से पालने के लिए एक पेट मिलता है, और कोई विच अपने पेट को नहीं बल्कि वो पेट विचेस को चुनते हैं। और उस स्पाइडर को टिटुबा अपने गले के पीछे बने हुए निप्पल से दूध पिलाने लगती है। इस तरफ मेरी जंगल के बीच ओल्ड विचेस से मिलने जाती है और उनको वही बॉक्स देती है। उस बॉक्स के बिना ग्रैंड रिचुअल पूरा नहीं हो सकता था। मेरी उनसे रोज को मारने के लिए माफी भी मांगती है। उस बॉक्स को खोलकर उसके अंदर का एप्पल निकालने पर उन सभी को वायरस में मरे हुए लोगों के विजन आते हैं, और विचेस मेरी पर भरोसा करके वो बॉक्स उसी के पास में रखने के लिए कह देती हैं। वैसे भी मेरी उनको धोखा नहीं दे सकती थी क्योंकि उनको मेरी की कमजोरी जॉन के बारे में पता था। यहाँ पर दूसरी तरफ ग्लोरिया के जाने के बाद में कॉटन बहुत ही दुखी रहने लगा था, और इनक्रीज कॉटन को समझा रहा था कि उसने उसकी माँ से शादी की थी लेकिन उसने उससे प्यार नहीं किया था क्योंकि प्यार उनको उनके काम के लिए कमजोर कर देता है। इनक्रीज कॉटन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने को कहता है लेकिन ग्लोरिया की वजह से कॉटन इनक्रीज पर बहुत गुस्सा था। मर्सी यहाँ पर मेरी को सलाह देती है कि वो जॉर्ज को मार डाले, और तब उनके बारे में किसी को भी नहीं पता चलने वाला था। लेकिन मेरी बस तब तक ही साइलेंट की हेड थी जब तक कि जॉर्ज जिंदा है, और जॉर्ज के मर जाने पर लोगों की नज़र में मेरी बस एक मामूली सी वीडियो बन जाएगी। टिटुबा यहाँ पर मर्सी पर गुस्सा होती है क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में मर्सी लोगों को मारने के बारे में सोचती थी, और यहाँ पर मर्सी और टिटुबा के बीच में झगड़ा होता है और टिटुबा मर्सी को मेरी से दूर रहने की वार्निंग देती है। यहाँ पर मेरी जॉर्ज के सपने में जाकर उसको मारने का सोचती है, और इस तरह जॉर्ज एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगा। सपने में मेरी और जॉर्ज एक बोट के अंदर थे। मेरी जॉर्ज को पानी में गिराकर मारने की कोशिश करती है लेकिन मेरी जॉर्ज को मार नहीं पाती है क्योंकि सपने में इनक्रीज भी था, जिसे देखकर मेरी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। सपने से वापस आने के बाद में टिटुबा मेरी को कहती है कि उनको मर्सी को कंट्रोल करने के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो मर्सी उनके लिए मुसीबत बन सकती है। लेकिन मेरी के मुताबिक मर्सी उससे क्लोज है, तो इसीलिए टिटुबा मर्सी से जिलस हो रही थी। जॉर्ज को कैसे घर पर वापस लाना है, मर्सी टिटुबा को इस पर ज़्यादा ध्यान देने को कहती है। जेल से छूटने के बाद में एमिली के फादर हेनरी एमिली को ढूंढ रहे थे, और एना इस बारे में एमिली को बताती है। तब मर्सी उनके बीच में आती है और एना से कहती है कि एमिली उसके साथ में सेफ है, तो एना को एमिली की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर फिर मर्सी का बदलता बिहेवियर एना को बहुत ही अजीब लगता है, और उसी रात इनक्रीज आइजेक को मेरी के दिए हुए उस मेडिसिन के साथ में पकड़ लेता है। इनक्रीज आइजेक को बहुत मारता और पीटता है, और आइजेक बता देता है कि वो मेडिसिन मेरी नहीं लोगों को दी है। यहाँ पर दूसरी तरफ एमिली डोली और कुछ लड़कियाँ मर्सी के गए हुए कुछ मंत्र पढ़ती है, जिससे कि मर्सी टिटुबा के स्पाइडर पेट को कंट्रोल करके जॉर्ज के मुंह के अंदर भेज देती है। इनक्रीज आइजेक को वहाँ से भगा देता है, और फिर जॉर्ज के मुंह के अंदर चेक करने पर इनक्रीज को स्पाइडर और स्पाइडर के जाले नजर आते हैं। तो उसी तरफ एमिली के फादर हेनरी एमिली को बहुत मारते और पीटते हैं क्योंकि एमिली ने मर्सी के साथ मिलकर हेनरी को विच बनाकर जेल में भेज दिया था। हेनरी एमिली को प्रोस्टिट्यूट के पास बेचना चाहता था, और तभी एमिली के बाकी दोस्त आ जाते हैं और बड़ी बेरहमी से एमिली के फादर हेनरी को मार डालते हैं। मेरी ने जॉर्ज को वो मेडिसिन पिलाने को दी थी, इसे जानकर इनक्रीज समझ जाता है कि मेरी एक विच है, और मेरी के घर तक जाता है। सभी लोग मेरी के घर के बाहर जमा हो चुके थे, और जॉन भी वहीं पर था। मेरी इनक्रीज को समझाती है कि वो मेडिसिन बस एक पेन किलर है, और उसे साबित करने के लिए मेरी वो मेडिसिन खुद पी लेती है। लेकिन मेरी एक विच थी तो उसको कुछ नहीं होता है, और तब इनक्रीज का शक मेरी से हट जाता है। लेकिन इनक्रीज को ये समझ नहीं आ रहा था कि जॉर्ज के मुंह में किस विच का पालतू स्पाइडर घुस गया था। तब मर्सी टिटुबा को फंसाने के लिए इनक्रीज को बता देती है कि उसने टिटुबा को एक स्पाइडर को गले के पीछे से दूध पिलाते हुए देखा है। इसे सुनकर इनक्रीज टिटुबा को विच होने के शक में अरेस्ट कर लेता है, और मेरी इनक्रीज को रुक भी नहीं पाती है। तो एक विच को दूसरी विच को खतरे में डालता देखकर मेरी मर्सी के इस काम से हैरान थी। और यहाँ पर ख़त्म होता है एपिसोड 9। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है जहाँ पर इनक्रीज गोट का नाम लेकर खुद को एक बेल्ट से पनिश कर रहा था, और उसी रात डोली एमिली और बाकी लड़कियाँ हेनरी की लाश को जंगल में ले जाकर बाकी लाशों के पास में फेंक देती हैं। उन सभी को मर्सी पर बहुत यकीन था कि मर्सी हर मुश्किल में उनकी मदद करेगी। दूसरी तरफ मेरी मर्सी से गुस्सा थी जिस तरह उसने टिटुबा को फंसाया था। मर्सी यहाँ पर मेरी के गुस्से से डर रही थी। मर्सी मेरी को बताती है कि उसने ये सब मेरी के लिए किया है,
मेरी से विच का शक हटाने के लिए मर्सी को टिटोबा को फंसाना पड़ा, नहीं तो इनक्रीज मेरे को विच समझकर उसे मार डालता। फिर अगले दिन मिस्टर हाले के जाने के बाद में एना चुपके से मिस्टर हाले के रूम में जाती है और उनके मास्क को पहनती है। मास्क को पहनते ही एना मास्क के अंदर की दुनिया की एक जंगल में चली जाती है और असल दुनिया से एना गायब हो जाती है और बस वो मास्क की उस रूम में रह जाता है। यहाँ पर टिटोबा को कैसे जेल से निकाला जाए इस बारे में मेरी मिस्टर हाले से बातें करती है और मिस्टर हाले भी टिटोबा को जेल से निकालने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। टिटोबा मेरी की बहुत अच्छी दोस्त थी तो टिटोबा को इस तरह टॉर्चर होता हुआ नहीं देख सकती थी। टिटोबा को छोड़ने के बारे में मेरी फिर खुद इनक्रीज से बात करने जाती है और मेरी इनक्रीज को समझाती है कि टिटोबा बस उसकी एक मामूली सी नौकरानी है, वो बहुत सालों से मेरी की दोस्त भी है तो कैसे एक विच हो सकती है। लेकिन फिर भी इनक्रीज टिटोबा को जेल से छोड़ने के लिए राजी नहीं होता है। मेरी भी टिटोबा के लिए ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करती है, नहीं तो इनक्रीज का शक मेरी पर हो सकता था। इनक्रीज यहाँ पर अपने घर में टिटोबा को बहुत बुरी तरीके से अलग अलग टूल्स से टॉर्चर कर रहा था ताकि वो बाकी विचेस का नाम बता दे। वो टिटोबा भी किसी का नाम नहीं बता रही थी। कॉटन इनक्रीज को समझ भी रहा था कि इस तरह बिना सबूत के किसी को टॉर्चर करना गलत बात है, लेकिन फिर भी इनक्रीज कॉटन की बात नहीं सुनता है। कॉटन टिटोबा का टॉर्चर नहीं देख पाता है और वहां से चला जाता है। यहाँ पर मिस्टर हाले को यह पता चल जाता है कि एना उनके मास्क से किसी अलग दुनिया में चली गई है और एक टाइम पर बस एक ही आदमी उस मास्क से उस दुनिया में जा सकता है। एना के पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि वो उस मास्क की दुनिया से असली दुनिया में कैसे वापस आए, लेकिन मिस्टर हाले को अपने पावर से पता चलता है कि एना जंगल में गई है और मिस हाले भी यहाँ पर एना के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और किसी भी कीमत पर वो अपने बेटी एना को घर पर वापस जाती थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर एना खुद को जगाने की कोशिश करती है ताकि वो असल दुनिया में वापस आ जाए, लेकिन एना जंगल की आदिवासियों के साथ में फंस जाती है। मिस्टर हाले जॉन से एना को बाहर निकालने के लिए मदद मांगते हैं और जॉन भी एना के लिए मिस्टर हाले की मदद करने के लिए मान जाता है। यहाँ पर कॉटन अपने ग्लोरिया से दूर होने से बहुत ही परेशान हो रहा था और इसीलिए वो पानी में डूबकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें सुसाइड करने की हिम्मत नहीं थी तो तालाब से वापस बाहर निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि इनक्रीज ने टॉर्चर कर करके टिटोबा की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब कर दी थी, लेकिन फिर भी टिटोबा ये एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि वो एक विच है और ना ही वो किसी भी विच के नाम को इनक्रीज को बताती है। तब इनक्रीज टिटोबा को और टॉर्चर करने के लिए रेडी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जंगल में जॉन और मिस्टर हाले एना को ढूंढने आते हैं, जहाँ पर उनको कॉटन मिलता है जो कि शराब के नशे में था। कॉटन को वहीं पर छोड़कर जॉन और मिस्टर हाले आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर इनक्रीज के टॉर्चर से थककर टिटोबा अपनी स्टोरी बताने लगती है। टिटोबा बताती है कि जब वो छोटी थी तभी उसको जानवर की तरह एक पिंजरे में बंद करके शिप से मिस्टर हाले उसे खरीद कर सालेम लेकर आए थे, जहाँ पर मिस्टर हाले ने एक आदमी के पास टिटोबा को बेच दिया था। साले में मेरी टिटोबा की दोस्त बनी और तब टिटोबा की लाइफ में बहुत मुश्किल भरी थी। टिटोबा को साले में किसी कन्या का साथ मिला जिसने टिटोबा को विच बना दिया और उसी ने टिटोबा को खुद के लिए लड़ना सिखाया। डेविल ने टिटोबा और बाकी विचेस को कभी भी धोखा नहीं दिया था और ना ही उनका साथ छोड़ा था, तो टिटोबा भी उनको धोखा देकर उनका नाम नहीं बता सकती थी। टिटोबा के मुताबिक साले में पुरीतंस ने गॉड के नाम पर उनको डराकर उन सभी पर हमेशा टॉर्चर किया है और कभी भी उनके गॉड ने लोगों के दुख में उनका साथ नहीं दिया है, लेकिन डेविल ने हमेशा उनका साथ दिया। टिटोबा की ऐसी बातें सुनकर इनक्रीज टिटोबा पर और ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर एना को ढूंढते जॉन और मिस्टर हाले उन्हीं आदिवासियों के पास में पहुँच जाते हैं। जॉन मिस्टर हाले को चुप रहने के लिए कहता है और खुद उन आदिवासियों की लैंग्वेज में एना के बारे में उनसे पूछ रहा था। वे आदिवासी जॉन और मिस्टर हाले को अपनी जगह तक ले जाते हैं। टिटोबा किसी भी टॉर्चर से डरकर इनक्रीज को विचेस के नाम नहीं बता रही थी तो इसीलिए इनक्रीज अब टिटोबा को मैनिपुलेट करने लगा था। टिटोबा जिन विचेस को बचाने के लिए इतना दर्द सह रही थी क्या वो कभी इस लायक थे, और अगर टिटोबा उनको बचाने के चक्कर में खुद मर जाती है तो उसमें टिटोबा का क्या फायदा, क्योंकि वो विचेस तो टिटोबा को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही थी। इनक्रीज की यह बात सुनकर टिटोबा इनक्रीज के कान में किसी का नाम कह देती है और वो किसका नाम कहती है ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर जंगल में एना वहाँ से निकल पाने की उम्मीद छोड़ चुकी थी और तभी एना को अपने पास में किसी के होने का एहसास होता है। उस टाइम एना के सामने एक डेमन आता है जिससे डरकर एना भागती है और रास्ते में एना को जॉन और उसके फादर मिस्टर हाले मिलते हैं और वे सभी वापस सालेम की ओर चले आते हैं।
यहाँ पर मेरी को इंक्रीज की बातों से पता चलता है कि टिटोबा ने विचेस के बारे में कुछ बातें कही है कि विचेस का लीडर असल में जॉन है। मर्सी विचेस की विक्टिम थी लेकिन अब वो खुद भी एक विच है। टिटोबा ने जॉन को इस तरीके से फंसाया है, इसे जानकर मेरी भी बहुत ज्यादा शॉक्ड थी। जॉन अब सालेम में वापस आता है और सालेम के सभी लोग इंक्रीज के कहने पर जॉन को एक विच मानकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। एना सभी को समझाने की कोशिश करती है कि जॉन विच नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मेरी जॉन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही थी। फिर जेल के अंदर हम टिटोबा को एक इविल सी स्मेल करता हुआ देखते हैं और ये दोनों एपिसोड यहीं पर खत्म होते हैं। इन दो एपिसोड में हमने देखा कि मेरी किसी भी कीमत पर जॉर्ज को होश में आने नहीं देना चाहती थी, नहीं तो जॉर्ज उनके राज को खोल देगा। मेरी का खास बनने के लिए टिटोबा और मर्सी का एक अलग ही जेलेसी का कंपटीशन चल रहा था, तो इसीलिए मर्सी ने टिटोबा के उस स्पाइडर पेट को जॉर्ज के मुंह में डाल दिया और वो स्पाइडर टिटोबा का ही था। तो मर्सी के एक बार कहने पर ही टिटोबा को विच के शक में पकड़ लिया जाता है। विचेस का नाम निकलवाने के लिए इंक्रीज ने टिटोबा को बहुत टॉर्चर किया था, लेकिन यहाँ भी टिटोबा ने अपना दिमाग लगाया। उसने जॉन का नाम इसलिए लिया क्योंकि अगर विच के शक में जॉन को मार दिया जाएगा तो मेरी अपने विच के काम में कभी कमजोर नहीं पड़ेगी और उनका विचेस का ग्रैंड रिचुअल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगर आप सालेम सीरीज के बाकी के एपिसोड को देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए उन एपिसोड को जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तो अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में।